जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सीरीज करने वाले हैं। इससे पहले आपको 76% तक करा दिया गया है, यह तीसरा पार्ट है हिस्ट्री का, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 77 आपको दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ठीक है। तो इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो चलिए सर्वप्रथम आप बौद्ध धर्म के बारे में ये जानिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है। और गौतम बुद्ध के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो लुम्बिनी है वह कपिलवस्तु में है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन, ठीक है। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया था, ठीक है, महामाया इनकी माता का नाम था। इन्होंने शादी भी करी और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम है, ये इनके माता का नाम है, ये पिता का नाम है, ठीक है, ये जन्मस्थल है और ये ईस्वी है। ओके, आप ये जान गए। अब चलिए एक दो और पॉइंट में बताता हूं कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में जब यह तप कर रहे थे उर्वेला में, जो कि निरंजना नदी के किनारे है। कहां है? निरंजना, निरंजना नदी के किनारे है और उस जगह का नाम क्या है? उर्वेला, उर्वेला जगह का नाम है। इस जगह पे ये तप कर रहे थे तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वर्ष 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक प्रकार से इनकी पूरी जीवनी मैंने आपको बता दी। और इन जीवनी में देखिए, इन्होंने जब गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, तो उसको कहा गया महावीर निष्क्रमण, ठीक है। क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। 78 दिया गया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। अभी मैंने आपको बताया कि उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और किस उम्र में हुई? तो 35 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया के उरुवेला में, ठीक है। और निरंजना नदी के किनारे यहाँ पर देखिए आपको सी में दिया गया है, तो 78 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। एक बात और मैं आपको बता दूं, निरंजना नदी जो है यह वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, फल्गु नदी के नाम से अभी यह जाना जाता है, ठीक है। और उरुवेला जो है वह बोधगया में है, ये भी आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। देखिए अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें उपदेश नहीं बताया, तो चलिए उपदेश के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था और सारनाथ के ऋषि पत्नम में, ठीक है, ऋषि पत्नम में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसमें कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म परिवर्तन को कहा गया था कि आप लोग जो है हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए या जो भी धर्म हो उससे बौद्ध धर्म में परिवर्तन की बात कही गई थी। और इन उपदेश का जो भाषा था वह कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या किया कि अपने जो पहले उपदेश दिए उनमें उन्होंने कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों को भी सम्मिलित किया और सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया वह कौशल देश में दिया, जिसकी राजधानी जो है श्रावस्ती बनी, ठीक है, कौशल की राजधानी जो है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वहां पर इन्होंने सबसे अधिक ज्ञान दिया, ठीक है। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का डी उत्तर हो जाएगा, सारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 दिया गया कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, देखिए यहां पर त्रिरत्न दिया गया है, तो त्रिरत्न में किस किस को शामिल किया गया? तो त्रिरत्न जो है उसमें बुद्ध, संत एवं धम्म को शामिल किया गया। यहां पर आपको बुद्ध दिया गया ए में, संघ दिया गया है सी में और धम्म दिया गया आपको बी में, तो इन सभी को शामिल किया गया, ये तीनों मिलकर त्रिरत्न बने, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इन सभी को? तो 80 का डी उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़े। 81 दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनकी जो भाषा थी वह पाली भाषा थी, ठीक है। तो 81 का
ए उत्तर हो जाएगा। जब एक बार व्याख्या किया जाता है तो उसको आप यदि गौर से सुन लेते हो तो आप अत्यधिक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 82 दिया गया है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। निर्वाण जो है इसका संबंध मृत्यु से है, तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा थी। ठीक है, और इन्होंने गृह त्याग जो है वह 30 वर्ष के उम्र में किया, और तपस्थल इनका रहा जम्बिक ग्राम जो कि रिजुपालिका नदी के किनारे है, और इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वह 42 वर्ष के उम्र में हुई एवं इनका निर्वात अर्थात मृत्यु जो है वह 468 ईस्वी पूर्व में हो गया, और उस जगह का नाम है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर वही पूछा है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो क्या हो जाएगा, पावापुरी। यदि वर्ष की बात करता तो क्या होता, 468 ईस्वी पूर्व, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 82 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 83 दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए बौद्ध संगीति जो है इसमें कुल 4 बौद्ध संगीति फेमस है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। पहला जो हुआ वह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, दूसरा हुआ 383 ईस्वी पूर्व, चौथा हुआ 255 ईस्वी पूर्व, और पांचवा जो हुआ वह प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए, इनके बारे में जानते हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी उसका स्थान राजगृह था, राजगृह। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप जो थे वह अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये किनके शासन काल में हुआ, यदि शासन काल की बात की जाए, शासन काल, तो इसमें आपका आएगा अजात शत्रु। ठीक है, तो पहला आपका पूरा हो गया, और इसमें प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बातचीत की गई है, तो उत्तर आपका क्या होगा, राजगिरी, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 83 का डी उत्तर हो जाएगा। द्वितीय संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और जगह का नाम था वैशाली। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष थे वह थे शवा कामी। ठीक है, शवा कामी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और यह जो है कालसेक राजा के शासनकाल में हुआ था। चलिए तीसरे की बात करते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह 255 ईस्वी पूर्व में हुआ, और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि मगध के अंतर्गत आता था, और यह राजा अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में। अब चलिए फोर्थ, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी, और यह कुंडल वन में हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, और वासुमित्र जो थे, वासुमित्र वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और यह राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 बौद्ध संगीति खत्म होते हैं, और उत्तर आपका 83 का डी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया, ताकि आप सभी यहां पर ज्वाइन कर लें। यहां पर जुड़ने का फायदा यह है कि आपको यहां पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहां पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहां पर डाल दी जाते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 84 दिया गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। देखिए अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि फोर्थ अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, और कुंडल वन में हुई, कुंडल वन, और शासनकाल किसका था, कनिष्क राजा का। देखिए यहां पर कनिष्क दिया भी गया है सी में, तो 84 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 85 दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। देखिए जब कभी भी संसारिक दुख के बारे में बातचीत की जाए तो इसमें 4 सत्य निकल के आते हैं। पहला आपका आता है दुख, ठीक है, दूसरा आपका आता है दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा आपका निकल के आता है दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध,
और चौथा आपका निकल के आता है दुख निरोध गामिनी, निरोध गामिनी, ठीक है। ये चार निकल के आते हैं, और ये जो दुख निरोध गामिनी है इसको पूरा दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कितने आर्य सत्य बताए गए, चार ना, उत्तर क्या हो जाएगा 85 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आठ तरीके बताए गए जिससे कि मुक्ति होती है। पहला तरीका है आपका सामाक्य दृष्टि, सामाक्य कहने का मतलब है सही और अच्छा दृष्टि। दूसरा सामाक्य संकल्प, तीसरा सामाक्य वाणी, चौथा सामाक्य कर्मांत, पांचवा सामाक्य आजीवन, छठा सामाक्य व्यायाम, सातवा सामाक्य स्मृति और आठवां सामाक्य समाधि। ये आठ चीज बताए गए जो कि इन चार दुखों को कम करता है, इन दुखों से मुक्ति देता है, ठीक है। 86 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है। यहाँ पर महाजनपद और राजधानी दी गई है। तो सर्वप्रथम चलते हैं महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो महाजनपद जो है यह कब शुरुआत हुआ, तो बुद्ध के जन्म के बाद जब छठी शताब्दी थी तो उसमें महाजनपद का शुरुआत हुआ, और इस समय महाजनपद को 16 भागों में बांटा गया था, कुल 16 महाजनपद हुए थे, ठीक है। और इन जनपद में चलिए जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। आपका यहाँ पर ए में दिया गया है गंगाधर, तो गंगाधर जो है वह तक्षशिला में है, और यह जो क्षेत्र आता है वह अभी आता है रावलपिंडी में, ठीक है। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है, इस क्षेत्र में आता है रावलपिंडी एवं पेशावर, कह लीजिए एवं पेशावर, यह जनपद वर्तमान में वहां पर चली गई है। दूसरा आपका अंग दिया गया है, तो अंग जो है इसका राजधानी चंपा था, और यह आपके भागलपुर एवं मुंगेर में आता था, ठीक है, भागलपुर एवं मुंगेर में आता है जो कि बिहार में है, ठीक है। ये आपके पाकिस्तान में चले गए, ये आपका बिहार में है। तीसरा आपका मगध दिया गया है, तो मगध की राजधानी कहां थी, गिरिब्रिज, या इसको क्या कहा जाता था, राजगृह कहा जाता था, ठीक है, राजगृह ये इसकी राजधानी थी, और यह वाराणसी के आसपास है। कहां पर है, वाराणसी जो कि यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौशल दिया गया है, तो कौशल की राजधानी कहां थी, श्रावस्ती थी ना, श्रावस्ती, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। और श्रावस्ती जो है यह फैजाबाद में पड़ता है यूपी में, यह भी यूपी में है। एवं मथुरा किसकी राजधानी थी, तो मथुरा जो थी वह सूरसेन की राजधानी थी, किसकी थी, सूरसेन की राजधानी थी, और यह मथुरा क्षेत्र यूपी में ही पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन सा दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 86 का डी, कौशल जो है इसका युग्म सुलोमित नहीं है, जिसका होगा आपका उत्तर श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, और यहाँ पर मथुरा दिया गया है राजधानी में, तो उसका राज्य सूरसेन या महाजनपद जो है सूरसेन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 87 आपको दिया गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को पुनिक कहा जाता है। देखिए हर्यक वंश जो है यह मगध साम्राज्य का हिस्सा है, ठीक है। यदि हम हर्यक वंश की स्थापना की बात करें तो 554 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश रहा, ठीक है। इसमें जो शुरुआत की गई वह बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और बिंबिसार जो है यह आपके 554 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु आया जो कि 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा, और आजाद शत्रु ने क्या किया कि अपने पिता को ही बंदी बनाकर उनकी गद्दी हासिल की थी, इसी वजह से अजात शत्रु को कुनिक कहा गया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 87 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 88 दिया गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। देखिए पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना उदयन ने की थी, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। इसे उदयभद्र के नाम से ज्यादा जाना गया है, उदयभद्र, उदयन बहुत कम मिलता है, उदयभद्र बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसी नाम से इसको जाना गया। और उदयभद्र जो है वह 460 ईस्वी से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक शासन काल में रहा, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी को पटना में शिफ्ट किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा उदयन, जो कि 88 के सी में दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आजकल आप लोग वीडियोज को शेयर नहीं कर रहे हो, जितना शेयर करोगे उतनी ज्यादा वीडियोस में बना के दूंगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है।
अत्यधिक शेयर करोगे अत्यधिक वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक है। तो 89 दिया गया है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। देखिए अवंती को मिलाने का जो श्रेय है वह जाता है आपको हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग को, ठीक है। उसने क्या किया था कि अपने राजा को ही पराजित कर हर्यक वंश को समाप्त कर दिया एवं शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। और इसने 412 ईस्वी पूर्व में जाकर राजशाही कायम कर दिया, ठीक है। यह आपको 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक राजगद्दी में रहा शिशुनाग वंश रहे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 89 का सी उत्तर हो जाएगा। 90 दिया गया है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। देखिए कालाशोक जो है यह काकवर्ण, ठीक है, इसको दूसरा नाम जो है काकवर्ण, काकवर्ण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको जो है कालाशोक बहुत ही कम मिलने वाला है। कालाशोक जो है यह शिशुनाग वंश के ही राजा थे और इनके शासनकाल में मगध की जो राजधानी थी वह वैशाली थी, जो कि यहाँ पर 90 के ए में दिया गया है। तो 90 का ए उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी नहीं है और ना ही किसी पुस्तक में मिल रही है। यदि आप लोग के पास कुछ जानकारी हो कालाशोक के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में एक विशिष्ट जानकारी ये मिलती है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जब आयोजन हुआ था बौद्ध धर्म का तो हुआ था, क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति इनके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई कब थी, तो यह आपके 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, अर्थात इनका शासनकाल इसी बीच में था, ठीक है। आगे बढ़े, 91 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व अक्षांतक कहा गया, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। देखिए महाबल आनंद जो थे वह नंद वंश के हैं और इन्हीं को जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। इनका शासन काल जो है यह 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 324 ईस्वी पूर्व तक रहा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, महापद आनंद, ठीक है। यहाँ पर देखिए 91 के बी में दिया गया है तो 91 का बी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, 92 दिया गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। देखिए सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था तो उस समय मगध में धनानंद शासन में थे, जो कि नंद वंश, किस वंश के, नंद वंश के अंतिम शासक हुए, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक हुए कौन, धनानंद, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 92 का सी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर सिकंदर और पोरस की लड़ाई के बारे में बातचीत की गई है। तो सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वह 326 ईस्वी पूर्व में हुई थी और मैंने आपको बताया था कि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो इसको जो है झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम का पुराना नाम क्या था, वितस्ता। मैंने आपको पहले ही बताया जब नदियों का वर्णन हुआ था तो वहां पर मैंने इस बात की चर्चा की थी कि मैं आपको इस युद्ध के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस युद्ध को क्या कहा गया, वितस्ता का युद्ध कहा गया या फिर आप कह लीजिए झेलम का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो पोरस पराजित हो गए और विजयी कौन हुआ, तो सिकंदर विजयी हुआ, ठीक है, ओके। कब हुआ, 326 ईस्वी पूर्व, ये आपके प्रश्न में ही दिया गया है। चलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि इंग्लिश में कहा जाता है हाइडे स्पीच, ठीक है। हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी यह जाना जाता है। तो 93 का बी उत्तर हो जाएगा। 94 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की। देखिए सेंड्रोकोटस के रूप में जो पहचान किया था इनको सर्वप्रथम वो विलियम जोन्स ने किया था। यहाँ पर विलियम जोन्स बी में दिया गया है तो 94 का बी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़िए, 95 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वह बहुत फेमस हुआ, ठीक है। यहाँ पर 95 का ए उत्तर हो जाएगा, चाणक्य। उस समय राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक है। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातचीत करें तो इनका जो शासन काल है वह 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य कब आया था, जब धनानंद को अल्पस्थ कर दिया गया, मतलब उसको उसके पद से हटा दिया गया था और नंद वंश का शासन खत्म कर दिया गया, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए और मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 96 दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि नंद वंश के अंतिम शासक ध्यानंद को इन्होंने अधपस्त कर दिया, अर्थात पद से हटा दिया, और वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की। कब की? तो 322 ईस्वी पूर्व में इन्होंने की। ओके, तो 96 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 97 दिया गया है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थानीज किसके दरबार में रहता था। देखिए अभी किसकी बातचीत चल रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की ना। उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, यूनानी राजदूत जो था मेगास्थानीज, वह इन्हीं के दरबार में रहता था, और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका, जो कि बहुत ही फेमस हुई है, और मेगास्थानीज के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो इंडिका की चर्चा जरूर होती है। ठीक है, तो इंडिका में इन्होंने चर्चा की है, और पाटलिपुत्र विहार के बारे में इंडिका में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 97 का? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए 99 दिया गया है कि कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 98 का बी उत्तर हो जाएगा, अर्थशास्त्र यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट आपको इंडिका पूछा है, मैंने भी जस्ट बात की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थानीज, यहाँ पर 99 के सी में दिया गया है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए 100 तक, और यह मौर्य वंश का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को खत्म करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए मौर्य शासक जो है यह सम्राट बनने के 8वें वर्ष, ठीक है, अर्थात 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को अपने में मिला लिया। यदि हम अशोक के शासनकाल की बातचीत करें तो अशोक का शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 236 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए एक प्रश्न मैं आपसे राज करता हूँ, फिर बाकी प्रश्न जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहां करेंगे। आपका 101 दिया गया कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ये प्रश्न आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना अत्यधिक हो सके ये सारी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मैंने मैथ्स की 40 क्लासेस दी थी और उन वीडियोज को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो शेयर जरूर करें, मैथ्स की क्लासेस देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7979946092। ठीक है, यदि व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप पे चार्ज लिया जाता है, आप याद रखेंगे। यदि आप फ्री में देखना चाहते हैं, यदि आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का नाम है www.studyandupdates.com। ठीक है, कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो वहां से आप जाएं और इस वेबसाइट पे जाएं, आपको सारी पीडीएफ वहां पे आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और यदि पीडीएफ के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो बने रहें। दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन यदि आप लेना चाहते हैं प्रत्येक मंथ का अलग अलग, तो प्रत्येक मंथ का ₹10 चार्ज किया जाता है, और यदि आप सालाना लेना चाहते हैं एक साथ पूरे साल का, तो ₹101 चार्ज किया जाता है। और ये जो मैगजीन है ये आपको फ्री में अवेलेबल भी है, वेबसाइट पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है। ठीक है, और यदि आप जीके के 11,000 प्लस MCQ के PDF चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ₹35 चार्ज किया जाता है। और यदि आपको जीके वन लाइनर चाहिए, जिसमें कि 25,000 प्लस जीके वन लाइनर है, तो उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ये सभी PDF आपके अपनी वेबसाइट www.studyandupdates.com पे फ्री अवेलेबल होते हैं, वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं ली जाती है। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, फिर आपको PDF दी जाती है। धन्यवाद।